होगी दूसरे डायरेक्शन में चले गए, लोगों ने ऑर्डर किया है फूड, बहुत ही ज्यादा अच्छा वेदर है, पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली आज मैं जा रही हूँ एक नए ट्रिप पे। ये ट्रिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, साथ ही साथ मेरा शूट भी होने वाला है। अभी मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन में और देख सकते हो यहाँ पे अभी पार्किंग एरिया साइड में खड़ी हूँ और अभी हम लोगों को जाना है अंदर। एक्चुअली हमारी ट्रेन हो गई है 2 घंटे लेट, सो हम लोगों को अभी करना होगा थोड़ा सा वेट। तो मैं सोच रही हूँ हम लोग चाय वाय कुछ पी लेते हैं क्योंकि अभी का माहौल बहुत ज्यादा शांत है। देख सकते हो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हमारा है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 2 घंटे ट्रेन लेट है। हम बिना सोए आए हैं, क्या बिना सोए? कुली को भी दिखा दो, कुली बंदा समझ। ये देखो हमारे सर, ये हमारे कुली है। देखो देखो लुक दिखाऊं क्या? लुक आगे मैडम ये जी। तो ये एक्टिंग की प्रैक्टिस थी, यू नो थिएटर आर्टिस्ट और कैरेक्टर में घुस जाते हैं। और ये हमारे कोरियोग्राफर है। हेलो अज्जू सर। हेलो, जय जवाहर संगरियो। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, दीदी और मैं भी पहुंच गए हैं, सब टीम पहुंच गई थी, हम लोग थोड़ा लेट से, बट अभी हम लोग भी पहुंच गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी है, सब सोते हुए आराम से। हम भी अपना ठिकाना देख के सोचेंगे। तो सुबह सुबह स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है, लोग आपको सोते हुए भी मिल सकते हैं, दुकानें वुकानें खुल गई हैं प्रॉपरली। दीदी ये मेरी बड़ी बहन और इसका बैग देखो। सुबह सुबह ट्रेन आ रही है बट हमारी नहीं है। दीदी आ रही है क्या? आ रही है लेकिन ये हमारी ट्रेन नहीं है। और देख सकते हो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई ट्रेन का नामो निशान नहीं है। फाइनली गाइस कम से कम 2 से 3 घंटे लेट हो गई हमारी ट्रेन और 2 से 3 घंटे लेट होने के बाद अब हमारी ट्रेन फाइनली आ रही है। सुबह से मैं उठी हुई हूँ और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और उसके बावजूद भी हमारी ट्रेन टाइम पे नहीं आई और मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बट फाइनली अभी आ रही है। तो अब जैसे ही आती है हम लोग उस पे बैठेंगे और निकलेंगे, तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। वो जगह है जहाँ से मेरी ट्रेन आने वाली है जो कि कम से कम 3 घंटे लेट है और 3 घंटे से मैं यहाँ पे देख रही हूँ बट मेरी ट्रेन नहीं आई और अभी भी अनाउंसमेंट कंटिन्यू हो रही है। फाइनली अब ट्रेन आने वाली है और मैं अभी जाऊंगी। ये कुछ प्राणी है जो हमारे साथ जा रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऊपर चल चल के बैठे हुए और इधर का भी माहौल कुछ एकदम मस्त, भारी भरकम भरा हुआ है। इधर भी काका लोग बैठे हुए हैं, इधर भैया लोग बैठे हुए हैं, जाने देंगे क्या था। और ये है राउरकेला स्टेशन, राउरकेला उड़ीसा का पार्ट है। वेलकम टू राउरकेला स्टेशन। और यहाँ पे देख सकते हो काफी लोग हैं आराम से, उधर भी पेयजल की सुविधा उविधा है, मस्त बहुत सारे लोग हैं। तो गाइस मैं तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अभी हम पहुँच गए हैं राउरकेला स्टेशन और हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। तो राउरकेला स्टेशन तक हम पहुँच गए। राउरकेला उड़ीसा का ही पार्ट है, देख सकते हो अभी राउरकेला स्टेशन में हम हैं और ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ तक स्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, वैसे ही ट्रेन कहीं ज़्यादा रुकी नहीं बट यहाँ पे अभी काफ़ी देर तक रुकी हुई है तो काफ़ी अच्छा हो गया है। Thank you.
अभी बच्चे को है रात के 10 और अभी हम पहुंच चुके हैं खड़गपुर और यहाँ पे सब पूरी सब्जी खरीद रहे हैं। देख सकते हो स्टेशन काफी खाली खाली है, तो साइड पे देख सकते हो बहुत सारे लोग कुछ कुछ खरीद रहे हैं और यहाँ पे भी पूरी सब्जी का स्टॉक लगा हुआ है, सब लोग पूरी सब्जी खरीद रहे हैं। मील खड़गपुर, तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है फूड क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही थी और देख सकते हो इसमें पूरी और सब्जी है खाने के लिए, तो समझ सकते हो आज रात को हम पूरी और सब्जी खाने वाले हैं अपने डिनर पे। और यहाँ पे दीदी भी है, ये भुक्कड़ इंसान है, बाकी लोग भी खा रहे हैं। तो रात के 1 बजे हम पहुँच गए हैं वर्धमान। ये जगह बहुत नई है और अनाउंसमेंट हो रही है। ओ भैया चल रहे हैं, चाय बढ़िया होगा, चाय पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन और देख सकते हो यहाँ का माहौल, करीब 10 बज चुके हैं और बहुत अच्छा माहौल लग चुका है। यहाँ पर नाश्ता वाश्ता बिक रहा है और ये है हमारी ट्रेन जिसमें हम आए हैं। यहाँ पे 10 मिनट लिए रुकी है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे फूड कॉर्नर लगा हुआ है। तो हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन अभी हम पहुँच गए हैं दार्जिलिंग के काफ़ी करीब न्यू जलपाईगुड़ी। और जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से भी दार्जिलिंग जा सकते हैं और गैंगटॉक भी जा सकते हैं, बट हम इसकी थोड़ा और आगे जाएंगे सिलीगुड़ी। तो अभी हम जाने वाले हैं सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से फिर हम जाएंगे दार्जिलिंग और गैंगटॉक सिक्किम। तो अभी जहाँ न्यू जलपाईगुड़ी में हम लोग स्टे किए हैं और अभी सो गए हैं क्योंकि मैं तो सो रही थी, नींद नहीं पूरी हुई थी और हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, अभी हो सकता है ये टाइम पे हमको पहुँचा दे, तो बहुत जल्दी हम होंगे दार्जिलिंग में। हमारी ट्रेन पूरा क्रॉस होके यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और सामने ये ऐसा ग्राउंड है। लोग बस पहुंचने वाले हैं अभी और ये है यहाँ का नज़ारा। आज तो वैसे यहाँ पे धूप ही निकली है बट यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम बता रहा है। तो अभी हम पहुँच गए हैं, अभी हम पहुँचने वाले हैं सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी मैं आपको दिखा चुकी हूँ रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और अभी हम सिलीगुड़ी पहुँचने वाले हैं, देख सकते हो अभी से लोग गेट पे खड़े हो गए निकलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर है, देख सकते हो आज यहाँ पे धूप भी निकली है जिसके कारण वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रखा हुआ मेरा ड्रेस जो मैं शूट में यूज़ करने वाली हूँ और ये मेरा बैग, ये मेरी ट्रॉली, ये दीदी बैठी हुई है और ये हमारा कूली। देख सकते हो यहाँ पे और अंकल लोग भी जानकारी रहे। तो ये है सिलीगुड़ी टाउन और अब हम आगे जाएंगे सिलीगुड़ी की ओर। हमारी ट्रेन चल रही है काफी आराम से और ये है महानदी। और ये देख सकते हो यहाँ का वेदर और यहाँ का नेचर जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइप का वेदर है और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टाइप का नेचर है। पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी जंक्शन और ये है हमारे सारे यात्रीगण बहुत जद्दोजहद करने के और उतर गए हैं, वहाँ पे दीदी है और इन लोग हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ सिलीगुड़ी से जाना है, पहुँच चुके हैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन।